अच्छा भाई नमन, इसका क्या सीन है प्रोटीन के डब्बे? ये प्रोटीन के डब्बे क्या है? प्रोटीन पहले बात तो मैं ये नहीं चीज समझता कि इसको प्रोटीन का डब्बा पता नहीं क्यों बोला जाता है। ठीक है, मतलब डब्बा डब्बा तो हर चीज डब्बे में ही आती है। आप घी की डब्बा ले आओ वो भी डब्बे में ही आ रहा है, घी की पिप्पी ले आओ उसमें भी है तो डब्बा ही वो डब्बा। तो इसको पता नहीं अलग से क्यों एक डब्बा एक अलग से वर्ड प्रोनाउंस किया जाता है, प्रोटीन का डब्बा। वो डब्बा नहीं है भाई, वो देखो हेल्थ सप्लीमेंट है। देखो अब कोई बिगिनर है बंदा, मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ, कोई बिगिनर बंदा है जिसने आज तक कोई भी डाइट पे ना तो ध्यान दिया है, ठीक है, ना उसने एक्सरसाइज पे ध्यान दिया है, उसने जस्ट स्टार्ट करा है, तो उस बंदे के लिए प्रोटीन के सप्लीमेंट नहीं बने हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, ये उस बंदे के लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपको 6 या 7 महीने हो चुके हैं, ठीक है, अब इसमें भी वो भी तब है जब आप डाइट पे अपना ध्यान दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक नया बंदा आया, आपने 6 या 7 महीने उसको एक्सरसाइज कराई, ट्रेनिंग कराई, और वो डाइट अपनी लेनी उसने स्टार्ट कर दी। डाइट लेने का मतलब वो नॉर्मल जो घर का खाना है, ये नहीं कि बाहर से आप कुछ और अलग से कुछ लेकर के आ रहे हो, घर का खाना मतलब कि रोटी दाल, घर में दाल होती है, जहाँ पे आपको नेचुरली प्रोटीन के सोर्सेज मिल रहे हैं। तो नेचुरल प्रोटीन के सोर्सेज कौन कौन से हैं? दूध है, आपकी दाल है, रोटी है, ठीक है, चने हैं, स्प्राउट्स वगैरह जिनको बोल सकते हैं, वो सारे इसमें लेंटिन लेग्यूम्स फैमिली में आ जाता है, पनीर है, आपके अंडे हैं, ठीक है, कोई अगर चिकन लेता है तो चिकन है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और भी और सोर्सेज हैं, जैसे कि सोया पनीर हो गया, सोया की बड़ी हो गई, सोया चाप हो गया, कई सारे सोर्सेज हैं। आपने ये सारी चीजें अब लेनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, अब स्पेसिफिकली आपका एक गोल है कि आपको एक डिसेंट शेप में आप आ चुके हो, एक साल आपको हो चुका है, 6 से 7 महीने आपको हो चुके हैं, आपने डाइट पे भी ध्यान दिया है, ट्रेनिंग भी आप ढंग से कर रहे हो, और अब आपका गोल है कि भाई मेरे को थोड़ा सा मसल साइज बढ़ाना है, या फिर मेरे को मसल साइज मेंटेन रखते हुए फैट को कम करना है, ठीक है ना। तो उस केस में अब आप किसी एक प्रॉपर ट्रेनर के पास, किसी एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओगे, या फिर ऑनलाइन आप कैलकुलेट करोगे कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, मेरी डेली एक्टिविटी के हिसाब से मेरे को इतने ग्राम प्रोटीन, इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, इतने ग्राम फैट चाहिए टू मीट माय स्पेसिफिक गोल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल वो प्रोटीन में उसमें कंटेंट निकला है कि मेरे को डेली जो है 100 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए। अब अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन डेली डाइट से ले पा रहे हो, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप अपना खाना या तो मदर से या अपनी सिस्टर से या फिर खुद आप बना सकते हो, खा सकते हो, पनीर आप ले सकते हो, एग वाइट्स अगर आप ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो इजीली, तो डाइट से ही आपको अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। फर्स्ट तो सबसे पहला काम तो वही है। दूसरी पॉइंट में आता है, फॉर एग्जांपल अब कोई बंदा वर्किंग है, उसके पास टाइम नहीं है, उसको सुबह वर्कआउट करना है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो सुबह जो है वर्कआउट करने के बाद आकर के अपना ब्रेकफास्ट भी बना ले या एग वाइट्स वगैरह खा ले। अब उसको फटाफट से मील चाहिए, प्रोटीन तो चाहिए उसको 100 ग्राम प्रोटीन बना बनाना चाहिए बस, ठीक है ना। हाँ, और वो रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल मान लो 80 ग्राम प्रोटीन तो वो दिन का पूरा कर लेता है डाइट से, लेकिन 20 ग्राम प्रोटीन उसका बच जाता है, तो वो 20 ग्राम प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट, जो चीज आप डाइट से नहीं ले पा रहे, सप्लीमेंट ही इसलिए बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट का मतलब एडिशनली एड ऑन, मतलब कि जो चीज आप डाइट से नहीं ले पा रहे हो ना, वो चीज आपने वे प्रोटीन से ले ली। तो जो प्रोटीन है बेसिकली वो भी वे प्रोटीन, वे प्रोटीन का मतलब, वे का मतलब ही होता है मिल्क, मिल्क से निकाला गया प्रोटीन। जैसे मिल्क को हम फाड़ते हैं, दूध को हम फाड़ते हैं, तो पनीर बनाने का जो प्रोसेस होता है, अब जब पनीर वो बनता है तो एक वाइट लेयर होती है पानी की, पनीर के फॉर्मेशन के टाइम में वाइट लेयर होती है पानी की, उस वाइट पानी को फिल्टराइजेशन फॉर्म में लेकर के आके कई सारे मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, उसको फिल्टर करके और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और वही पाउडर्ड प्रोटीन उसमें फिर फ्लेवर वगैरह ऐड कर देते हैं, दैट इज वे प्रोटीन। जो पनीर में जो प्रोटीन होता है दैट इज कैसीन प्रोटीन। तो दो अलग अलग प्रोटीन होते हैं, एक वे प्रोटीन होता है, एक कैसीन प्रोटीन। जो पनीर में मिलता है प्रोटीन दैट इज कैसीन, दैट इज स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन, जो उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा बॉडी टाइम लेती है, एज कम्पेयर टू दी वे प्रोटीन। वे प्रोटीन होता है फास्ट डाइजेस्टिंग। अच्छा, तो प्रोटीन लेते वो तो जल्दी ऐसा हो जाएगा आगे एनर्जी नहीं, प्रोटीन से एनर्जी नहीं आएगी। अच्छा, आपके जो मसल सेल्स हैं, जो आपने मसल फाइबर तोड़ रखे हैं, अच्छा, उनको रिप्लेनिश मतलब कि नए मसल फाइबर बनने में वो प्रोसेस वो स्टार्ट कर देगा। अच्छा, उसके लिए जरूरी है एनाबोलिक यानी कि पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस।
पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस आपकी मसल सेल्स में होना जरूरी है इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू मसल फाइबर्स, ठीक है ना, और या फिर जो मसल फाइबर्स आपकी टूटी हैं उनको भरने के लिए, उस जगह को भरने के लिए, क्योंकि प्रोटीन बना ही किससे है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो प्राइमरी है वो नाइट्रोजन है। सो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस वो वे प्रोटीन पूरा करेगा, ठीक है ना, जो आपकी मसल सेल्स में लगेगा, ताकि आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सके। मतलब आपको ओवर द टाइम अगर आपने प्रोटीन कम लिया और आप एक्सरसाइज तो करे जा रहे हो, तो होगा क्या कि आपकी बॉडी में पेन रहेगा, मसल सेल्स में पेन रहता है, मसल्स में पेन रहेगा, क्यों, क्योंकि आपके जो पुरानी मसल्स हैं उनको रिपेयर होने में टाइम लग रहा है, वो रिपेयरिंग का टाइम कम करता है वे प्रोटीन या फिर कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटीन। वे प्रोटीन थोड़ा सा फास्ट डाइजेस्टिंग है, इस वजह से वो प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, ताकि अगले दिन आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको इतनी मसल सोरनेस फील नहीं होगी। अच्छा, इसलिए वो थोड़ा ये है कि डाइट ठीक ठीक रहती है तो बस भाई यहाँ से दुख रहा है, यहाँ से दुख रहा है, तो वो हाँ देखो, डाइट ठीक रहना और एक डाइट एक्यूरेट रहना, उन दोनों में फ़र्क है। होता यही है कि बहुत से लोगों में आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो लेकिन आपको प्रोटीन की कार्ब्स की फैट्स की कमी होती है डाइट में। स्पेसिफिकली हमारी इंडियन डाइट में तो प्रोटीन की कमी है, एक्सरसाइज पे हम फोकस करते हैं लेकिन प्रोटीन हम नहीं लेते प्रॉपर डेली जितना हमें लेना चाहिए। एक नॉर्मल जो जिम गोअर नहीं है उस बंदे की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम होएगी एज़ कम्पेयर टू उस बंदे की जिसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो कि एक्सरसाइज कर रहा है। एक्सरसाइज करने वालों को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए क्योंकि उसको मसल फाइबर्स को रिपेयर भी तो करना है। जनरली क्या होता है कि एक सेडेंटरी बंदा जो कुछ नहीं कर रहा, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो जितना उसका बॉडी वेट है, फॉर एग्जांपल उसका 70 kg बॉडी वेट है, तो उसी को इक्वलेंट कर दो ग्राम्स में, यानी कि 70 g प्रोटीन तो कम से कम उसका डाइट में होना चाहिए, जो कि जनरली अगर वो एक मील भी प्रोटीन की कोई डिल ले लेता है दिन में तो उससे वो पूरा कर सकता है। जैसे कि दाल है, दूध वो ले रहा है, अच्छा आपका कोई एक बारी में आप पनीर वगैरह ले सकते हो। मैं तो ये बोलूँगा थोड़ा सा, जैसे आप फॉर एग्जांपल 70 kg वेट है तो 70 g तो मिनिमम है, मिनिमम है, अगर आप थोड़ा बहुत उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 70 g तो उतना तो आपको लेना है, आप उससे 10-20 g और एक्स्ट्रा ले सकते हो, जो कि ईजिली मैं बोलूँगा कि 150 g तक भी आप प्रोटीन डाइट से ईजिली पूरा कर सकते हो। बस बात ये है कि आप वो आपको टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ को, वो मील बनाने के लिए, या तो आप बाहर खाओगे या फिर आप घर में बनाओगे, पनीर आप लेकर के आओगे, पनीर की सब्जी बनाओगे या उसको दाल में डाल करके खाओगे, तो वो करना पड़ेगा आपको काम। अगर आपके पास टाइम है आप कर सकते हो। जो जिम गोअर्स हैं उनको थोड़ा सा एक सब्स्टिट्यूट मिल जाता है वे प्रोटीन से, कि भाई वो सुबह वर्कआउट करके आए हैं, शाम को वर्कआउट करके आए हैं, तो भाई अब मेरे को इतना भूख नहीं है, खाना इतना मतलब मेरे को नहीं खाना, इतनी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को, तो वो एज अ लिक्विड फॉर्म में एक बारी मील में वो सप्लीमेंट ऐड कर लेते हैं, उससे उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी और ओवरऑल जो उनकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा नहीं। इंडियन डाइट में दिक्कत क्या हो जाती है कि कभी कभी जैसे हमने दाल तो ले ली, जैसे हम 200 से 250 g अगर हम दाल लेते हैं बनी हुई उबली हुई दाल होएगी, उसमें आपको 18 g प्रोटीन तो मिल जाएगा लेकिन 40 g कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे। सो हमें क्या है, बैलेंस रखना है। दोनों चीज़ें, जो बंदा एक स्पेसिफिक डाइट पे है, एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, उसको ये पता है कि 100 g प्रोटीन तो चाहिए लेकिन कार्ब्स भी मेरे 250 g से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो उसमें क्या कि दाल वो ले तो लेगा 18 g प्रोटीन, लेकिन हो सकता है उसके कार्बोहाइड्रेट 40 g ज़्यादा चले गए। तो कार्बोहाइड्रेट 40 g जाने का मतलब, जिनको नहीं भी पता हो, कि 1 g कार्बोहाइड्रेट्स में 4 calories होंगी, 1 g प्रोटीन में 4 calories होंगी। When I say calories, मैं किलो कैलरीज की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको सिंपल स्पेसिफिक साधारण भाषा में कैलरीज ही बोल देते हैं, एक्चुअली वो किलो कैलरीज है। और ऐसे ही 1 g फैट में 9 calories होती हैं और 1 g अल्कोहल में 7 calories होती हैं। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं कि यार 40 g यार एक ही तो हमने रोटी ज़्यादा खाई है, लेकिन वो एक रोटी में ही आप लगा लो कि 40 g आपको एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए, और 40 g एक्स्ट्रा कार्बन मतलब कि 160 आपने कैलरीज ज़्यादा ले ली, और 100 calories में ही आपका अगर आप डेफिसिट करते चलोगे, कम करते चलोगे, तो आप एक हफ्ते में 0.5 kg से 1 kg कम कर सकते हो। तीन चीज़ों का फर्क पड़ जाता है। तो प्रोटीन के डब्बे भाई कौन से लेने चाहिए? देखो कोई भी ब्रांड ऐसा कुछ नहीं है, जेन्युइन बायर से लो, रिक्वायरमेंट हो तभी लो। इसकी भी तो बहुत सारी कंपनीज हैं, देखो कई सारे ब्रांड आ गए हैं, मल्टीपल ब्रांड्स हैं,
ऑथेंटिफिकेशन के लिए तो देखिए वो तो आपको लैब में टेस्ट करवाना पड़ेगा, अब इतना तो हर कोई आम बंदा कर नहीं सकता है। तो बेसिक यही तरीका है कि आप जेन्युइन बायर जिसके पास बाइंग लाइसेंस हो, इंपोर्टर का लाइसेंस हो, जो इंपोर्ट करते हैं मेनली, मान लो फॉरेन ब्रांड का कोई सप्लीमेंट है तो वो इंपोर्टर बाकी आगे डिस्ट्रीब्यूशन रिटेलर्स को प्रॉपर एक देते हैं सर्टिफिकेशन, आइडेंटिटी कार्ड भी देते हैं, सर्टिफिकेशन कार्ड देते हैं, और उस पे उनका इंपोर्टर का लाइसेंस नंबर भी लिखा होता है, और हर प्रोडक्ट में जो भी वो इंपोर्टेड होगा उसमें इंपोर्टर का आपको लाइसेंस मिलेगा और डेट भी मिलेगी कि किस डेट को वो इंपोर्ट किया गया है, और उसको वेरीफाई करने के लिए बार कोड स्कैनर वगैरह वो सारी चीज़ें आपको उस पर बार कोड मिलता है, आप उसको स्कैन कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा, और पक्का बिल, ये बहुत ज़रूरी है, बिल होना चाहिए, बिना बिल के अगर आप वो चीज़ ले रहे हो तो उसकी ऑथेंटिफिकेशन पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। मान के जब मैं मुझे लेना है और मैं चला गया अपने यहाँ पे खुली हुई है ठीक है शॉप और उस पे चला गया भाई मुझे दे दे, तो कोई भी उठा के वो ले भाई ये बढ़िया है ये सही है, और वो अपनी मशीन में से सिंपल सा बिल तो निकाल ही देते हैं यार आज का सब कुछ, तो फिर मैं कैसे वो करूँ जज की भाई इसने ये सही दिया है मुझे, क्योंकि भाई बिजनेस है सारे। देखो सबसे पहला तो इसमें ये है कि सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, हमें सोचते हैं कि यार आप उसको बोलोगे, आप गए किसी भी दुकान पे, वो हो सकता है स्टार्टिंग में तो आपको जेन्युइन चीज़ देगा, ठीक है, आपको देगा भाई ये है आपका 2 kg या 2.5 kg, जनरली यही इसी पैकिंग में आते हैं, 1 kg के भी आते हैं, लेकिन 2.5 kg का अगर एक अच्छी आप क्वालिटी का लोगे तो 5,000 से लेकर के 6,000, 4,500, 8,000 तक के भी आपको मिलते हैं, जनरली प्राइस वेरी करता है, लेकिन आप बोलोगे कि भाई यार इसे सस्ता नहीं है क्या, महंगा ये तो महंगा है यार, ये तो कौन ले सका भाई, तो वो सस्ता भी दे देगा, चीप क्वालिटी भी दे देगा। चीप क्वालिटी में क्या होगा, वो क्वालिटी क्या है, बेसिकली वे प्रोटीन में क्या है, वो जो रॉ मटेरियल है उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वो जो रॉ वे है उसकी जगह पे आपको कुछ चीप कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज मिल जाएंगे, कार्ब्स हैं जैसे चीनी वगैरह डाल देते हैं, अच्छा, ठीक है ना, राइस हस्क डाल देते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मिलावट बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर उसमें, ताकि उसके प्राइस को कम किया जा सके। कोई भी चीज़ आपको सस्ती मिल रही है और स्पेशली खाने के चीज़ में, तो उस पर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, सस्ते के चक्कर में कि भाई हम तो 500-600 का रुपये का वे प्रोटीन ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको लेना है तो आप पैसा खर्च करो, आपको अगर अफोर्ड कर सकते हो तो, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप जा ही क्यों रहे हो, आप वही 500-600 रुपए जिसमें आप वे प्रोटीन खरीदना चाह रहे हो उसी में आप अंडे पे इन्वेस्ट करो ना, अंडे ले सकते हो आप, पनीर ले सकते हो आप, सोया पनीर ले सकते हो, दाल ले सकते हो। आप पहले मतलब बंदे हैं ना इसकी तरफ ज्यादा सोचते हैं ना कि मैं उस पैसों से अपने डाइट पे वे प्रोटीन या कोई भी सप्लीमेंट है 80% आपका डाइट है, ये जो सप्लीमेंट है मैं तो 90% डाइट को दूंगा, 10% भी नहीं है सप्लीमेंट, सप्लीमेंट तो बस थोड़ा बहुत आपको डाइट में जो चीज़ आप पूरी नहीं कर पा रहे हो वो चीज़ आप सप्लीमेंट से थोड़ा ले सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप पूरे दिन वे प्रोटीन के स्कूप लिए जा रहे हो, वो चीज़ गलत है। अच्छा, कोई भी वे प्रोटीन है आप, जैसे अगर आप किसी भी रिटेलर के पास जाओगे आप चेक करो कि उस पर एक्सपायरी डेट तो पास नहीं आ रही है, जो नियर एक्सपायरी डेट है वो प्रोडक्ट आपको नहीं लेना चाहिए, या फिर आपने प्रोडक्ट खोल लिया, प्रोडक्ट खोलने के बाद आपको यार उसमें ना गांठें मिल रही हैं, लंप्स बन रहे हैं, ठीक है वो आपको उसको देख करके पता चल जाएगा, वो पाउडर्ड अगर वो अच्छी क्वालिटी का होगा ना तो वो बिल्कुल स्टिक नहीं करेगा, चिपकेगा नहीं, उसमें लंप्स नहीं बने होंगे, ठीक है, और आपको प्रॉपर बिल मिलेगा, इंपोर्टर का लाइसेंस पर लिखा हो, डेट कब इंपोर्ट किया गया, ये सारी चीज़ें कुछ एक पॉइंट्स है। और जनरली क्या है ना आज के टाइम में, मतलब अगर पक्का बिल मिल रहा है आपको, अगर आप सही ऑथेंटिक, कई अब तो वेबसाइट्स भी आ चुकी हैं जहाँ पे आपको जेन्युइन सप्लीमेंट देंगे, वो इस तरह से कोई फ्रॉड वगैरह नहीं करते, इन केस अगर आपको लगता है कि भाई कोई चीज़ भाई ये तो ख़राब है तो आप उसको वापस कर दो, आप उसको चेक करो और उसको वापस कर दो, तो उसको चीज़ को लेना नहीं है, आप ये सोचो कि भाई नहीं यार चला लेंगे कॉम्प्रोमाइज, अब तो ले लिया, नहीं, उस चीज़ को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी हेल्थ को ही अफेक्ट करेगा। तो अगर मैं इस पॉडकास्ट को ना भाई 5 घंटे का भी बनाऊँ ना, 5 घंटे का भी, तो भाई बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई के पास एक्सपीरियंस और एक्शंस की इतनी नॉलेज है ना जो इसने कर रखी है, बहुत बहुत सही है, बढ़िया। तो मतलब तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि बना के बोल रहा है भाई, या फिर
बस चेप दी ना। और आपको अगर पर्सनली भी भाई से कभी कोई एडवाइस लेनी हो ना तो कहाँ पे ले ऑनलाइन अकाउंट बता रहा हूँ भाई। मैंने फेसबुक पे अपना चला रखा है, फेसबुक पे मेरा पेज है नमन फिटनेस इंजीनियरिंग करके, और यूट्यूब चैनल भी है नमन फिटनेस इंजीनियरिंग, और इंस्टाग्राम पे भी नमन ढिल्लो NFT करके मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। आपको ऐसे लगेगा इतने साल हो गए लेकिन कंटेंट तो कुछ है नहीं, अभी भाई के पास थोड़ा टाइम नहीं है, कंटेंट ठीक है वो, लेकिन अभी आते रहेंगे और बहुत अभी तो अभी लंबी जर्नी है, कोई दिक्कत नहीं है, करना तो है धीरे धीरे, अभी एकदम से व्यूअर्स के लिए भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन ये है कि लास्ट में मैं तो इतना ही बोलूँगा कि आपको फिटनेस का ना एक्चुअल मंत्र समझने की ज़रूरत है। लोग समझते हैं कि फिटनेस का मतलब आपके पास अच्छी मसल है, ठीक है ना, अच्छा आपका साइज हो गया है और भाई सिक्स पैक एब्स आपके निकल गए हैं तो दैट इज़ फिटनेस। फिटनेस सिर्फ वो नहीं है, फिटनेस की कोई प्रॉपर डेफिनेशन आप नहीं दे सकते, लेकिन मैं तीन मेन पैरामीटर्स मानूंगा, तीन स्तंभ फिटनेस के। सबसे पहला तो आपका